बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट नॉलेज। दोस्तों आज की वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन कैंडिडेट्स ने अक्टूबर जॉब के लिए पाक आर्मी में अप्लाई किया था। दोस्तों जैसा कि बहुत सारे दोस्त हैं जो कमेंट में पूछ रहे थे, डिफरेंट सेंटर का पूछ रहे थे कि इन सेंटर्स में मेरी लिस्टिंग कब लगेंगी और इसके अलावा जो इनका हमें जो है फाइनल मेडिकल के लिए कब बुलाया जाएगा, तो इसी हवाले से तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा, तो वीडियो को आपने पूरा वॉच करना है। तो सबसे पहले हम मार्च अप्रैल वालों की बात कर लेते हैं जिन कैंडिडेट ने मार्च और अप्रैल में अप्लाई किया था, तो उनकी जो है ट्रेनिंग कब स्टार्ट होगी। तो इंशाल्लाह ये मार्च के महीने में इंशाल्लाह आपकी जो है ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। फ़िलहाल ये ट्रेनिंग प्रोसेस स्टार्ट इसलिए नहीं हुआ, थोड़ा स्लो है क्योंकि सर्दी का मौसम है, तो जितने भी जो ट्रेनिंग के सेंटर्स हैं इनमें ज़्यादातर सर्दी है, तो ये सर्दी के इलाके हैं, तो इसलिए फ़िलहाल इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हुई। तो बहुत जल्द इंशाल्लाह ये मार्च के महीने में जो है ये स्टार्ट हो जाएगी। तो अब हम अप्रैल और जिन लोगों ने अक्टूबर में अप्लाई किया था उनके बारे से बात कर लें, तो उसमें जो है बहुत सारे सेंटर्स में अभी फ़िलहाल मेरे लिस्टें नहीं लगी, और कुछ जो सेंटर्स हैं जिनमें मेरे लिस्टें लग चुकी हैं, चंद एक सेंटर हैं जिनमें मेरे लिस्टें लग चुकी हैं, इसके अलावा उनको जो है फाइनल मेडिकल के लिए भी बुलाया जा रहा है। तो कॉल के ज़रिए और SMS के ज़रिए इनको बुलाया जा रहा है, मैसेज किए जा रहे हैं, तो आपने परेशान नहीं होना है। ये जो है कुछ सेंटर में प्रोसेस स्लो है और कुछ में जो है प्रोसेस तेज़ी से जारी है, तो ये बेस करता है। तो बहुत सारे जो कैंडिडेट थे वो परेशान हो रही थी कि हमारा जो है फाइनल मेडिकल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अभी जो है दोबारा से एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी पाक आर्मी ज्वाइन करने के लिए, तो हमारा जो है ये फाइनल मेडिकल के लिए हमें बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा। आपने परेशान नहीं होना है, इंशाल्लाह आपको बुलाया जाएगा, आपने अपने नंबर ऑन रखने हैं, जैसे ही आपके सेंटर का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर बुलाया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है कुछ कैंडिडेट का ये भी सवाल था कि हम किस तरह अपनी मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं कि हमारे सेंटर की मेरिट लिस्ट आई है कि नहीं आई, हम ऑनलाइन किस तरह चेक कर सकते हैं इसको। तो इसके लिए मेरा जवाब मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑनलाइन चेक करने का पाक आर्मी के अंदर कोई सिस्टम नहीं है कि आप किस तरह ऑनलाइन जो है अपनी मेरिट लिस्ट देख सकते हैं। इसके लिए आपका जो वाइज एरिया है वो है आपका सेंटर जहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन की है और जहाँ पर आपने टेस्ट किया है, तो वहाँ पर ही आपकी जो है मेरिट लिस्ट लगेगी अपने सेंटर। तो इसके लिए आप अपने सेंटर को विज़िट किया करें, तभी आपको जो है कंफर्म जो है इन्फॉर्मेशन वहीं से ही मिलेंगी। तो इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है कि आप अपनी जो है मेरिट लिस्ट देख सकें, तो इसलिए आप अपने सेंटर से ही रजू करके वहाँ से अपनी मेरिट लिस्ट देख सकते हैं। तो इसके अलावा जिन सेंटर्स में अभी को मेरिट लिस्ट नहीं लगी, आप लोगों ने परेशान नहीं होना है, बहुत जल्द इंशाल्लाह ये आपकी मेरिट लिस्ट लग जाएगी। इंशाल्लाह फरवरी के पहले वीक या दूसरे वीक में इंशाल्लाह ये मेरिट लिस्ट वाला प्रोसेस जो है ये कंप्लीट हो जाएगा, और जैसे ही मेरिट लिस्ट लगती है आपको साथ में मेडिकल के लिए भी बुलाया जाता है। तो कुछ सेंटर में जो है साथ ही बुला लिया जाता है और कुछ सेंटर में पहले मेरिट लिस्ट लगती है और उसके बाद जो है फाइनल मेडिकल के लिए बुलाया जाता है, जबकि कुछ सेंटर में मेरिट लिस्ट लगती ही नहीं है, डायरेक्ट आपको जो है फाइनल मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, अपने नंबर आपने ऑन रखने हैं। तो पाक आर्मी के जो मैक्सिमम सेंटर्स हैं उनमें अभी मेरिट लिस्ट नहीं लगी, तो जिन सेंटर में मेरिट लिस्ट लग चुकी है उसके बारे में आपको ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ, आपको सेंटर बताएं जिनमें मेरिट लिस्ट लग चुकी है। इसके अलावा कुछ और जो सेंटर्स हैं, 2-3-4 सेंटर्स हैं जिनमें मेरिट लिस्ट बाद में लगी है, तो इसके हवाले से भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो जैसे ही कोई न्यू अपडेट मेरे पास आती है तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ इसी चैनल पे शेयर करूँगा, तो इसलिए आपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और साथ में बेल का आइकन भी प्रेस करना है ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।